अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक रेसिपी दिखा रही हूँ जो आप कभी भी खीमा बनाते हो, खीमा पाव, खीमा पराठा या आलू की कोई सब्जी, कोई भी चीज़ बनाते हो तो उसमें से थोड़ा सा रहता है कभी भी एक्स्ट्रा हो तो उसकी एक तरह की रिंग बनाने के जो चार के नाश्ते में भी चाय के साथ आते हैं, सुबह की रही हुई तरकारी से, और रमजान में घर में 5 लोग हो तो उसके साथ भज्जी बनाने की, कांदा भज्जी, और एक एक रिंग 5 लोगों को देने के, ज्यादा बने दो दो देने के, ये अपना काम हो जाता है। जिसके लिए लगने वाली चीजें दिखा रही हूँ और कैसे बनते हैं वो भी दिखा रही हूँ। ये मैंने खीमा मेथी भाजी बनाई थी, खीमे में मेथी की भाजी बनाई थी तो हमने खाई और इतनी रही। तो उसके लिए अब मैं, ये मैदा है 1 प्याली, ये अजवाइन है, ये तेल है, ये नमक है और ये पानी है। इसमें आटा गलाऊंगी और फिर कैसे रिंग बनाते वो भी दिखाऊंगी, और बहुत अच्छे भी बनते एकदम खुशखुशीत। अब इसमें जाएगा अजवाइन, नमक और ये गलाने के लिए तेल, तेल 1 क्वीट चम्मच है, उस हिसाब से आप लेना। पहले तेल वगैरह एक साथ सब मिलाने का, और फिर पानी में अपन घेव का आटा जरा कड़क कलाते हैं, घेव से आटे से कड़क, थोड़ा घेव का आटा थोड़ा नरम रहता है तो उससे भी कड़क करने का। अब इसको ढक के रखूंगी रेस्ट के लिए 5 मिनट, फिर आगे का बताती। ये देखो इसके 5 गोले हो गए। अब मैं आपको आगे का दिखा रही हूँ। ये चौकोन, इसको बेलने का, अगर चौकोन ना आया तो अपन खुद से काट के चौकोन करने का, ये पट्टी भी काम आएंगी बाद में, मैं आपको दिखा रही हूं। आपको चाहे आप कम भी भरो इसमें। अभी देखो ऐसा करने का, एक बार ऐसा लेने का, हाँ, और अब देखो पूरा काटने का नहीं, पूरा नहीं काटने का, मैं दिखा रही हूँ आपको, आप भी करते होगे। अभी की लड़कियां बहुत होशियार है माशाल्लाह, ये देखो है ना, यप, ऐसा लेने का, ऐसा बंद करने का, फिर ये है ऐसा अपना चिपकाने का, हाँ ये चिपकाने का हो गए। अब इसको थोड़ा आटा अपन घोलने करते, ओके हूँ वो लगाने का, यानी टूटने का खर्चा है, टूटता तो नहीं, ना लगाए तो भी चलता है, मगर आपको दिखाने के लिए लगा रही हूँ क्योंकि आप बच्चिया हो, करते वक्त टूटे ना। देखो हो गया अपना रिंग तैयार। अब एक पट्टी लेने की, इसको थोड़ा घोल लगाने का, आपको चाहे तो ना लगाए तो चलता है वो, यानी और अच्छा दिखे, जहां मैंने चिटकाई हूं ना उधर ऐसी पट्टी लगाने की। ये देखो कितनी जल्दी हो गया अपना रिंग, तलने के बाद और भी अच्छा लगता है और खुशखुशी लगता है खाने में, ऐसे बेलने की, न ज्यादा पतली न ज्यादा मोटी, हाँ ना काटे तो भी ये हो सकता है, कुछ नहीं बराबर होता है। मैं ऐसे जब खुद करती हूँ तो नहीं काटती, अब आपको दिखाने के लिए काट रही हूं।
उतना कुछ मुझे नहीं स्टाइल पिस्टाइल है। अभी खुद पर ध्यान दे रही हूँ। एक टाइम ऐसा था कि खुद क्या हूँ कुछ पता नहीं था, बस बच्चे और काम। मगर अब माशाल्लाह अच्छे से अपने ऊपर ध्यान दे रही हूँ, खाने पीने पर, हर चीज पर, जिससे पहले से मैं अच्छी हो गई। चाय तो थोड़ा कम भी भरो। अबे देखो, खाने में बहुत एकदम चुरचुरी लगते हैं। देखे ये हो गया अपना, इसको ऐसा लेके चिपकाने का। मैंने एकदम खुला खुला आपको दिखाई हूँ। हाँ, उसी में से एक पट्टी ली और इसको ऐसे एक जो बीच का था ना उसको चिपका दी। ज्यादा है तो आटा ऐसा निकालने का। हो गया अपना दूसरा रिंग। और जरा आग कम आंच में तलने का, यानी एकदम चुरचुरी फुसफुसीत हो जाता है। जो बाहर के समोसे मिलते हैं ना, उससे कहीं गुना अच्छा। देखो, इसमें मैं चीज भी मिला रही हूँ। आपको चाहे तो आप मिला सकते हो। हाँ, मैंने दो बगैर चीज की हूँ, क्योंकि मेरे मोहम्मद हाजिक के लिए। वो तो खाता नहीं इतना, मगर फिर भी मैं दो रखती हूँ बगैर चीज की। वो पसंद करता है चीज को, मगर छोटा बच्चा है, मैं नहीं देती उसे। देखें, अब इसको ऐसा चिपकाने का। हो गया अपना रिंग तैयार। ये पट्टी ना भी लगाए ना तो भी चलता है, फिर भी मैं लगा लेती हूँ। आप इसको कम गैस पर फ्राई करो, जिससे एकदम वो क्रिस्पी होते हैं। ये छोटी काई है तो एक ही डाली हूँ, आप चार चार भी डाल सकते हो बड़ी हो तो। हाँ, कढ़ाई छोटी है। हो गया। हाँ, माशाल्लाह इतना चुरचुरित रहता है, खुशखुशीत। करो, खाओ, सबको खिलाओ। देखो अपने कितने जल्दी से हो गए रिंग। आप भी ऐसे करो, खाओ, कमेंट करो, अपने चैनल को आगे बढ़ाओ, शेयर करो। अल्लाह आपको अच्छे वाला जजा देगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।